नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्फ मिरर, हर पल आपके साथ। जैसे उद्गीत बाकी रह गया था तो हम लोग भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ को इस तरह से लगाएंगे और बहिरंग योग के बाद अब हम लोग अंतरंग योग की ओर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं और भ्रामरी, उद्गीत और प्राणोध्यान करते हैं। आँख तीनों, दोनों आँख नाक के बगल में लगाएंगे उंगली को और ऐसा आवाज करेंगे। प्रणव का ध्यान करते हुए आइए, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, आपस में रखेंगे और आंख पे रखते हुए आंख को पुनः शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति, शांति औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांति रेव शांति, श्याम शांति रेदि, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मिसेस अनन्या कुंडू, त्रिशक्ति महिला मंडल क्या है? त्रिशक्ति महिला मंडल अभी तो एक नया रजिस्टर्ड एनजीओ है, जहां हम लोग का यही काम है कि जो लेडीज, मतलब जो औरत या लड़की बोलिए, जो महिला में, समाज में जो महिला है, जिसके पास उतना आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो आगे बढ़े, उनको आगे किसी तरह से बढ़ाने के लिए, उसको फिनेंशियली इक्विप्ड करने के लिए हम लोग जो एनजीओ खुले हैं, उसी का नाम है त्रिशक्ति महिला मंडल। जो लोग मैंने फाइनेंशियल वीक है उनको आप लोग हेल्प? हाँ, जो लोग फाइनेंशियली वीक है, सोसाइटी में होता है ना, औरत तो बहुत तरह के से, तो कैसे आप लोग हेल्प कर रहे हैं? हम लोग बहुत तरह के से हेल्प करें, जैसे मैं, मेरे सोदपुर एरिया जो मेरे एरिया है, हम यहाँ का ब्रांच प्रेसिडेंट है, तो हम हमारा एरिया के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग जैसे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप किए थे उन लोगों के लिए, हेल्थ चेकअप जो कि उन लोग का नहीं होता है, क्या फूड, क्या खाना चाहिए, जब एक माँ प्रसूति वाले होते हैं उसको क्या खाना से स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, वो सब सिखाने, लड़की जब बड़ी होती है उसको कैसे अपने आप को, अपने आप पर ध्यान देना है कि वो बहुत हेल्दी रहे, कि आगे बढ़कर जो बच्चे आए वो तो नेशन बिल्ड करेगा, वो बच्चा स्वस्थ रहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये सब हम लोग करवाते हैं। अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ, नॉट ओनली अवेयरनेस, इट इज ऑल्सो द वे ऑफ हेल्पिंग देम टू ग्रो अप विद लाइफ। रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? हमको तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि हम लोग लेडी गर्ल्स स्कूल गए थे, वहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। यहाँ पे डोनेशन क्लब में भी हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी योगा जो हम लोग जो योग शुरू किया है तो इसमें भी हमको कुछ खराब रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, पर हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े। आपका कंसेप्ट बहुत बड़ा है, आप अच्छा करना चाह रहे हो। सोसाइटी में हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, स्पेशली महिला रोग? महिला रोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलता अपने आप को देखने के लिए। वो इतना अपने घरेलू चीजें में अटक जाते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम निकल के जो आए, क्योंकि हम लोग
फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, इसके लिए हम लोग उनसे कुछ पैसा नहीं लेते हैं, उतना भी समय नहीं है ये वो आके ये करें, तो ये हमको बहुत दुखित करते हैं, क्योंकि एक औरत या जो नारी है उसके अपने लिए उसके पास एक घंटा से डेढ़ घंटा टाइम निकालना इतना मुश्किल हो जाते हैं। एज ए लेडी हम लोग देखते हैं सोसाइटी में कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो टैलेंटेड है, जो सीखना चाहती हैं, लेकिन उनका पेरेंट्स उनको परमिशन नहीं देते, ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? हम काउंसलिंग करते हैं इनको कि आप इनको भेजिए, आप देखिए कैसे क्या होता है, पर आप तो देखते हैं परिस्थिति भी हमारा सोसाइटी में अभी कुछ नेगेटिविटी है जिसके लिए पेरेंट्स थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अगर वो सब नेगेटिविटी हम अभी इस कुछ रिसेंट घटना के बलबूते पे बोल रहे हैं कि कुछ कुछ होते हैं, अगर हमारा जो पुरुष समाज है वो और ज़्यादा शिक्षित हो जाए तो हमारा नारी और फ्री हो जाएंगे, वो और आगे बढ़ पाएंगे। हमारा पुरुष जो अशिक्षित पुरुष है जो कि हमारा हर्डल जैसे हो गया है सोसाइटी में, नारी को प्रोग्रेस नहीं करने देता है, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन मायूस नहीं है, मायूस नहीं है, होप है, होप इज ऑलवेज देयर। शक्ति महिला मंडल का फ्यूचर प्रोग्राम क्या? फ्यूचर में हम लोग और आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसको और बढ़ा करने चाह रहे हैं। अब जितना जितना हमारा हेल्प आए, जितना जितना हम बच्चों मिले, हमको लड़की मिले, लड़की बाहर आए थोड़ा घर से, तो हम लोग इसको और आगे ले जा सकते हैं। चलिए, हम लोग ऊपर आपके साथ हैं। यहाँ थैंक यू सो मच। मेरा नाम शंकर प्रसाद। अच्छा, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या सिखाते हैं? यहाँ मैं योग सिखाता हूँ और मैं पतंजलि से स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में योग सीखा हूँ, उन्हीं से योग की शिक्षा लिया हूँ और अब मैं हर जगह जहाँ जहाँ भी योग की क्लास होती है, जहाँ मुझे बुलाया जाता है, मैं योग की सेवा, निशुल्क योग की सेवा देने के लिए पहुँचता हूँ। योग से क्या फ़ायदा हम लोग दिखाई देगा? योग से काफ़ी फ़ायदा है, आप हर रोज प्रतिदिन आस्था चैनल उठा के देख लीजिए। और योग तो एक जीवन दर्शन है, स्वामी जी का तो योग आत्म अनुशासन है, योग एक जीवन पद्धति है, योग व्याधि मुक्त और समाधि युक्त जीवन की संकल्पना है, योग व्यक्तित्व को बावन से विराट बनाने की कल्पना है, हम बना सकते हैं इसको। और योग से तो सब कुछ होता है, योग से जुड़ना आपके जीवन में हर तरह का बदलाव ला देता है। इन दिन हम लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोग के पास पैसा है, टाइम नहीं है भाई जी, ऐसा डिप्रेशन की वजह से लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, ऐसा है ना? आपको लगता है कि अगर योग से जुड़ेंगे तो उनका डिप्रेशन कम हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देख लो, आजकल लोगों के पास घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, ये सेट वो सेट, लेकिन खुद अपसेट है। इसका कारण यही है कि वो योग नहीं करते, और योग जो नहीं करेगा वो योग, तो वो कैसे रोग मुक्त होगा? इसलिए स्वामी जी कहते हैं करो योग रहो निरोग। और आप हमारे जो पूर्वज जो आज से नहीं वर्षों से ये योग की तपस्या करके योग की जो जानकारी हमें दिया है, इसका हम लोग लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीच के कालखंड में ये सारे योग की जो प्रक्रिया थी वो सब समाप्त सी हो चुकी थी, तो स्वामी जी ने इनको उभारा है, स्वामी जी जन जन तक लोगों को, लोगों के घर घर तक योग पहुंचाया है आस्था के माध्यम से। और स्वामी जी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी तो कई जगह योग सिखाए हैं, 20 लाख किलोमीटर से अधिक की उन्होंने यात्रा की। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग योग सीखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो सुविधा नहीं है, डिजायर का हम जो समझते हैं। आज हमको एक तो मारुति ऑल्टो मिले, कल हम मर्सिडीज के ख्वाहिश करते हैं, कल मर्सिडीज मिले तो कल किसी और के ख्वाहिश करते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जो मेरा डिजायर है, तो सबसे बड़ा चीज है ये डिजायर को अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे, अगर हम सोचेंगे मेरे पास जो है हम इसी से खुश है, खुशी बाहर से नहीं आता, जो अंदर से आता है, वो कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ से हम खुश नहीं हो पाएंगे, हमको खुशी होना है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या? देखिए, ऐसा नहीं है, ये सब बहानेबाजी है। अच्छा। योग तो अगर, आप अगर वो सीखना चाहते हैं कहाँ आपसे कंसल्ट करें? देखिए, ऐसा है कि योग मुझसे कंसल्ट करें, मैं तो यहाँ रहता हूँ अपने इलाका चीनाकुड़ी में, लेकिन आज पतंजलि की योग शिक्षक देश के कोने कोने में है, तो वो कहीं भी योग शिक्षक सीख सकते हैं। और अभी जैसे जीएम मैडम यहाँ पे त्रिशक्ति के द्वारा यहाँ पे योग सिखाया जा रहा है, और त्रिशक्ति के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम और प्रोग्राम को लिया जा रहा है, तो मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम लिया, जैसे कि लोग यहाँ आके अधिक से अधिक संख्या में योग सीख रहे हैं, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ पे मुझे मौका मिला योग सिखाने का। कि एक है ना,
अंत नहीं, अंदर से वो छोटा छोटा चीज से ही हम खुशी हो सकता है। एक साथ मिलके खाने में खुशी है, एक साथ कुछ काम करने में खुशी है, देने में जो खुशी है वो अब जितना भी पैसा दे उसी में नहीं आता है। यही चीज अगर आदमी में समझ आ जाएगा तो वो डिप्रेशन से जरूर बाहर आ जाएंगे। नहीं, ये तो आप ठीक बोल रहे हैं। एक चीज हम लोग देख रहे हैं, ओल्ड एज होम का जो तादाद है वो बढ़ रहा है। जब माँ बाप बड़े हो रहे तो बच्चों अभी को बाहर निकाल रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा, सोसाइटी किधर जा रहा है? नहीं, सोसाइटी का बात है, हम लोग तो दोष बच्चों को देते हैं, पर ये भी आप सोचे हैं, एक बच्चे जब बड़े होते हैं आप बोलते हैं आपको फर्स्ट होना है, आपको ये नौकरी करना है, ये बनना है, वो करना है। हम माँ बाप भी उसको ऐसे तैयार करते हैं कि उसको वो नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उल्टा पेरेंट्स भी डिप्रेशन में आ जाता है, इसका बच्चा कामयाब नहीं होता है। यही जो सोच है, आदमी को आदमी बनाना है, उसको कुछ रेस का घोड़ा नहीं बनाना है। जब तक यही नई चीज जाएगा तब तक डिप्रेशन चलते रहेगा। आप किस पोस्ट में हैं? मैं ब्रांच प्रेसिडेंट हूँ त्री शक्ति महिला मंडल शिवपुर शाखा की। आज आपने जो यहाँ पे आया, आपने प्रोग्राम में शामिल हुए, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और ये योग यहाँ पूरे हमारे त्रिशक्ति महिला मंडल में काफ़ी कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम सिखा रहे हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट है त्रिशक्ति महिला मंडल की, श्रीमती पूनम मिश्रा, तो उनका ये सपना था, तो उन्होंने जगह जगह हम मतलब हमारे थ्रू, जैसे हम ब्रांच प्रेसिडेंट हैं तो हमने अलग अलग जगह अलग अलग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम खोला है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप क्या सिखाते हैं? जैसे मेरे यहाँ तो ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेंटर है, बेसिक ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेंटर, और अभी 17 को हमारे यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का। ट्रेनिंग सेंटर में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो गरीब हैं समाज के, जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है वो लोग, क्योंकि हम और आपके जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लड़कियाँ, ये लड़कियों इसमें है, पहले तो साक्षर होना है आपको, और आपकी उम्र 14 साल से ज़्यादा होनी चाहिए बेसिक ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेंटर के लिए, और साक्षर होना चाहिए, फिर आपको घर से सबको जैसे पेरेंट्स की अनुमति होनी चाहिए, बस और क्या है। आज आपने जो यहाँ पार्टिसिपेट किया, क्या चीज़ आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं? मैंने सीखा कि सबसे पहले तो हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही जीवन है, जो मैंने अभी बोला, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा मिसेस कुंडू ने जो कराया, क्योंकि हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करा रहे हैं, इन्होंने जो योग को इतना महत्व दिया, जैसे इसमें बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो सीख रही हैं, तो होता है ना कि हम घर में हैं अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ परिवार बनाती है, स्वस्थ परिवार एक स्वस्थ समाज बनाता है, तो ये इनका कदम मुझे बहुत अच्छा लगा कि औरतें अपनी स्वास्थ्य को लेकर और आगे बढ़ रही हैं, जागरूक हो रही हैं, योगा सीख रही हैं, प्लस ये त्रिशक्ति महिला मंडल की तरफ से ये जो परीक्षा आज हो रही है इसमें पास करने पे सर्टिफिकेट दिया जाए। आपका नाम क्या है? मैं मिसेस सरिता सुमन। आज जो आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। योग आपके जितने भी सवाल सबों से थे, उन सबों का एक ही जवाब है, योगा। अच्छा, इसमें कंसेप्ट क्या है? योगा ना तेरा है ना मेरा है जी। ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, हम सब का है, अनुसरण करें सब समस्या हो जाएगी। वैसे तो हम लोग, नाम क्या हुआ? रश्मि। आज यहाँ का क्या कर रहे हैं? एक्चुअली परफॉर्मेंस हम लोग योग सीखते हैं। अच्छा। वो योग का आज एग्जाम था, उसको हम लोग दिखाए कि हम लोग जो सीखे हैं, मतलब बिगाड़ी वाला काम नहीं, हम लोग बढ़िया सीखे हैं, जो अपने कब तक सीखा, टाइमिंग कितना लगा? टाइमिंग तो 3 ही महीना 4 महीना हुआ है अभी। हम क्या सीखे? सीखे कि हम लोग नेचुरल जो मतलब बेसिक चीज अभी सीखे हैं। इम्प्रूवमेंट क्या दिखाई दिया अपना लाइफ में? अपना लाइफ में तो बहुत बढ़िया, एक तो शरीर हल्का महसूस होता है और सारा सिस्टम अंदर से मेरे को महसूस होता है कि वो बढ़िया काम कर रहा है। जैसे अपना तो टाइम टेबल बढ़िया, कोई नहीं रहता खाने का, नहीं सोने का, नहीं ये नहीं वो। एक योग करने से ये भी हम लोग चीज़ सीखते हैं कि एक डिसिप्लिन लाइफ हम लोग को जीना कितना जरूरी है। जो लोग योग नहीं सीख रहे, इसके लिए क्या सीख रहे? नहीं, ये मेरा सबसे है कि समय निकाल के 10 मिनट भी सही, लेकिन करें योग। योग करने से अंदर का भी अपना सब चीज जागने, आने सकते हैं तो आएंगे। हर शुक्रवार को हम लोग ऐसे रखे हैं, और हमारे ये शंकर गुरु जी हैं वो सिखाते हैं, और हमारे आदरणीय जीएम भाभी के द्वारा ये स्टार्ट किया हुआ है, महिला मंडल सोधपुर शाखा के द्वारा ये चलाया जा रहा है। आपका आपको यहाँ लग रहा कैसा? अच्छा लग रहा सीखने के बाद? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी। सरल चीज करके और आसान करके, जिसे इंटरेस्ट भी सब लोग को जगे, उस टाइम का सीखा।